हेलो गाइस, आज की क्लास में डिस्कस करते हैं डिप टॉपिक, यानी कि जो कंपास सर्वे के अंदर जो डिप ऑफ निडल होती है, यानी चुंबकीय सुई की नती। चुंबकीय सुई हमारी कुछ वर्टिकल प्लेन में कुछ एंगल बना लेती है, तो क्या है डिप, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पर आपके सामने दो डायग्राम बनाए हैं। जब हम प्रिज्मेटिक कंपास से या सर्वेयर कंपास से सर्वे कर रहे होते हैं, तो हम देखते हैं कि मैग्नेटिक जो निडल है, वो मैग्नेटिक निडल हमारे ठीक से हॉरिजॉन्टल प्लेन में नहीं रह पाती। ठीक से हॉरिजॉन्टल रहनी चाहिए, लेकिन वो हॉरिजॉन्टल नहीं रह पाती। एक्चुअल कंडीशन हमारी, ये हमारा पिवोट लगा हुआ है, जो मैंने डायग्राम प्रिज्मेटिक कंपास और सर्वेयर कंपास के डायग्राम बनाए थे, उसमें मैंने आपको समझाया था कि मैग्नेटिक निडल के मैग्नेट जिस पर रखी होती है उसे पिवोट कहते हैं, और इन दोनों के बीच में इसे हम कहते हैं एगेट कैप। इस रेड पोर्शन को जो ये कैप जैसा बना हुआ है, और इन दोनों के बीच में हमारी एक बियरिंग बनती है, जिसे हम कहते हैं ज्वेल बियरिंग। लेकिन जो मैग्नेटिक निडल है, वो मैग्नेटिक निडल हमारी ठीक हॉरिजॉन्टल प्लेन में रहनी चाहिए, यानी ठीक हॉरिजॉन्टल कंडीशन में रहनी चाहिए। पर चुंबकीय जो बल रेखाएं हैं, उनकी तीव्रताओं में अंतर होने की वजह से ऐसा नहीं हो पाता है। वो ठीक हॉरिजॉन्टल कंडीशन में ना रहकर वो कुछ हमारी इस कंडीशन में आ जाती है, यानी हमारी जो सुई है, यानी सुई हमारी रहनी चाहिए थी हॉरिजॉन्टल कंडीशन में इस तरीके से, पर हॉरिजॉन्टल कंडीशन में ना रहकर इसने कुछ हमारे जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है, उस हॉरिजॉन्टल प्लेन से इस वर्टिकल डायरेक्शन में कुछ एंगल बना लिया यहाँ पर अल्फा। यानी कि चुंबकीय सुई का वर्टिकल प्लेन में कुछ इंक्लाइंड हो जाना ही हमारा क्या कहलाता है, डिप ऑफ द निडल कहलाता है। तो डिप तो आप समझ में होंगे कि डिप क्या है, यहाँ पर जो अल्फा डिग्री का ये एंगल बना हुआ है, ये हमारा क्या है, डिप ऑफ निडल है। लेकिन जब हम वर्क कर रहे होते हैं कंपास सर्वे के अंतर्गत, तो उस टाइम हमारी मैग्नेटिक निडल में डिप नहीं होना चाहिए। तो इस डिप को हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, उसके लिए मैंने आपको प्रिज्मेटिक कंपास और सर्वेयर कंपास वाले लेक्चर में बताया था कि डिप को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम एक अलग से काउंटर वेट का यूज़ करते हैं। यानी हम क्या कर देते हैं, इसमें एक अलग से काउंटर वेट लगा देते हैं यहाँ पर, इसे हम क्या कहते हैं, काउंटर वेट, जो क्या करता है, इस डिप को रिजॉल्व करने का कार्य करता है। इस काउंटर वेट को हम राइडर के नाम से भी जानते हैं। तो जब हम राइडर को इधर चलाएंगे, तो क्या होगा, हमारा जो डिप है वो न्यूट्रलाइज होने लगेगा और हमारी चुंबकीय सुई ठीक हॉरिजॉन्टल प्लेन में आ जाएगी। अब आप देखिए कि डिप का मान कहाँ का हमारा ज़्यादा होता है, कहाँ पर हमारा कम होता है। डिप का मान है इक्वेटर पर 0 होता है। डिप की जो वैल्यू होती है हमारी इक्वेटर पर हमारी डिप की वैल्यू 0, लेकिन हमारी डिप की वैल्यू पोल पर अगर हम जाएं, तो पोल पर हमारी कितनी होती है, 90 डिग्री। यानी कि ध्रुवों पर हमारा जो डिप होता है वो मैक्सिमम होता है, और ये हमारी क्या है, मैक्सिमम। लेकिन इक्वेटर पर हमारा कैसा होता है, मिनिमम हमारा डिप का मान होता है। तो अब इस डिप में हमें ये भी समझना है कि डिप को हम प्रिज्मेटिक कंपास से हम सर्वे करें, तो हमें डिप को कैसे पहचानना है। आप देखेंगे कि जब हम अपने विजुअल आइडेंटिफिकेशन से हम उसको जज कर सकते हैं। जब भी आप कंपास सर्वे कर रहे होंगे, आप देख लें कि हमारी जो मैग्नेट निडल है वो वर्टिकल प्लेन में कुछ झुक गई है, तो आप क्या करेंगे, राइडर को चलाकर उसे बिल्कुल ठीक हॉरिजॉन्टल प्लेन में कर लेंगे। ऐसा करने से हमारा डिप न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो इस डिप्स को लेकर हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कुछ लाइनों के नाम बताते हैं। तो सबसे पहले हमारी है एक्लिनिक लाइन। एक्लिनिक लाइन ये कौन सी लाइन होती है, ये अक्सर हमारा कंपटीशन लेवल में पूछा जाता है। और एक हमारा है आइसोक्लिनिक लाइन। तो देखिए, मैं पिछले लेक्चरों में कुछ बता चुका हूँ, फिर दोबारा से समझ लीजिए कि ऐसे क्षेत्र, ऐसी काल्पनिक रेखा वो उन क्षेत्रों से होकर जाती है जहाँ पर डिप का मान 0 होता है, उनको हम कहते हैं एक्लिनिक लाइन। यानी कि ऐसी काल्पनिक रेखा जो उन क्षेत्रों से होकर जाती है जहां डिप का मान 0 होता है। या ये दूसरा हमारा है आइसोक्लिनिक लाइन, वो हमारी क्या है, ऐसी काल्पनिक रेखा जो उन क्षेत्रों से होकर जाती है जहां पर डिप का मान
समान होता है, यानी कैसा होता है, इक्वल समान होता है। तो ये वो रेखा है, यानी आइसोक्लिनिक की अगर हम बात करें तो आइसोक्लिनिक एक ऐसी रेखा है जहाँ पर ये उन क्षेत्रों से होकर जाएगी जहाँ पर डिप का मान समान होगा, लेकिन एक्लिन लाइन एक ऐसी रेखा है जहाँ ये उन क्षेत्रों से होकर जाएगी जहाँ पर डिप का मान जीरो होगा। तो गाइज ये हमारा टॉपिक था डिप, जिस पर हमने छोटा सा डिस्कशन किया। अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे इसे फॉरवर्ड करें। अगर किसी भी नए टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करें। थैंक यू गाइज़।